इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बीट द क्लॉक। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ए टू जेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा सवाल दिया हुआ। तो देखिए B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ब्रीफली यानी संक्षिप्त में दें। तो चलिए ये सब पढ़ते हैं पीडीएफ से जो आपके लिए स्पेशल टाइप किए हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर। तो पहला सवाल क्या, हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम, हम लोग समय बर्बाद करने से कैसे बच सकते हैं। तो देखिए आंसर लिखेंगे बाय कीपिंग आवर स्टडी टेबल क्लटर फ्री। क्लटर मिस होता है ना अनावश्यक चीज, ठीक है, जैसे बहुत 2 साल पुराना मान लेते हैं कि कोई भी चीज न्यूज़पेपर है अखबार है तो टेबल पर रखने का क्या फायदा है, या फिर पेन खत्म है तो वो रखने का क्या फायदा, वही सब चीज है तो उसको बोलते हैं क्लटर, अनावश्यक चीज को। तो आंसर लिखेंगे बाय कीपिंग आवर स्टडी टेबल क्लटर फ्री एंड बाय हैविंग टू डू लिस्ट वी कैन अवॉइड वेस्टिंग टाइम। तो देखिए अपने स्टडी टेबल को अनावश्यक चीजों से मुक्त रखकर, यानी स्टडी टेबल में कोई भी कचरा नहीं रखना, ठीक है, और एक टू डू लिस्ट बनाकर हम लोग समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। तो क्या है, पहला चीज है कि स्टडी टेबल को स्टडी टेबल पे कोई भी अनावश्यक चीज नहीं रखना, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि टू डू लिस्ट बनाना कि आज हमको क्या क्या करना है, या फिर आज के बदले कल क्या करना, आज लिखेंगे रात में शाम में कि कल क्या क्या करना है, तो समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। दूसरा है व्हाई शुड वी कीप आवर टेबल क्लटर फ्री, तो हमें अपने टेबल को, कौन सा टेबल, स्टडी टेबल, हम सभी को अपने टेबल को अनावश्यक चीजों से मुक्त क्यों रखना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे वी शुड कीप आवर टेबल क्लटर फ्री, हम सभी को अपने टेबल यानी स्टडी टेबल को अनावश्यक चीजों से मुक्त रखना चाहिए, सो डैट ताकि वी वॉन्ट हैव टू वेस्ट टाइम, ताकि हम सभी को, है ना, ताकि हम सभी को का जो है ना समय बर्बाद नहीं करना पड़े। किस चीज में समय बर्बाद नहीं करना पड़े, रमेजिंग थ्रू अ डेब्रिज, कचरा से है ना जो चीज जरूरत है वो ढूंढने में हमें क्या करना पड़ेगा, कचरा से गुजरना पड़ेगा। तो अनावश्यक चीज मान लेते हैं कि आपको फेयर कॉपी ढूंढना है इंग्लिश का, और न्यूज़पेपर रखे हुए हैं, ढेर सारा मैगजीन रखे हुए हैं, तो सबको हटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो जो चीज चाहिए मान लेते हैं कि ये है, ये वाला है आपका इंग्लिश का फेयर कॉपी, तो आपको अनावश्यक चीजों से क्या हुआ, गुजरना पड़ा। तो यही है, कचरा को बोलेंगे डेब्रिज, और अमेजिंग मतलब क्या, अनावश्यक चीजों को है ना ढूंढने में परेशानी झेलते हुए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट स्टेप शुड वी टेक टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, तो हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले करने के लिए। तो देखिए आंसर लिखेंगे वी शुड मेक अ टू डू लिस्ट, हमें एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। टू डू लिस्ट मतलब मान लेते हैं कि 10 काम है, ठीक है, कल हमें 10 काम करना है, तो अभी रात में लिख रहे हैं मान लेते हैं, तो बस ये हो गया टू डू लिस्ट कि ये काम करना है और इसमें से कोई भी भूल ना जाए, इसलिए लिखते हैं टू डू लिस्ट। एंड प्रायोरिटाइज आवर टास्क टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, और ये लिस्ट बनाने के बाद ना, टू डू लिस्ट बनाने के बाद हमें फिर एक और लिस्ट बनाना पड़ेगा, इसमें पता है इसमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, मतलब प्राथमिकताएं तय करना होता है, प्रायोरिटाइज मतलब यानी कि ये सब काम में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको फर्स्ट में रखेंगे, उसके बाद जो महत्वपूर्ण है उसको सेकंड में, उसके बाद जो महत्वपूर्ण है थर्ड में, इस तरह से इसको बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना, काम का है ना, काम को प्राथमिकताएं तय करना होता। तो क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले करने के लिए हमें एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए और अपने कामों की प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले करने के लिए। आगे देखिए B.2 थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। तो ये क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है, सही कथनों के लिए कैपिटल T लिखे हैं और गलत कथनों के लिए कैपिटल F लिखे हैं। तो देखते हैं कौन गलत कथन है कौन सही कथन है। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है रिमझिम वॉज एबल टू स्टडी अकॉर्डिंग टू हर प्लान, तो रिमझिम अपनी योजना के अनुसार पढ़ने में समर्थ थी, तो रिमझिम जितना पढ़ना चाहती थी उतना पढ़ी थी, नहीं, फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, यहाँ पर बोल रहा था कि गलत कथनों के लिए कैपिटल F लिखे हैं और सही कथनों के लिए कैपिटल T लिखे, तो यहाँ पर आप है ना
आप कैपिटल एफ कर सकते हैं यहाँ पर, कैपिटल टी कैपिटल एफ, ठीक है। अब देखिए, देर आर मेनी थिंग्स डैट डिस्टर्ब अस एंड वेस्ट आवर टाइम, तो कई सारी चीजें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है और सब हमारा समय बर्बाद करती है, तो ये सही बात है, ठीक है, हो जाएगा ट्रू। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम, तो क्या बोला गया, उचित व्यवस्था और योजना, ठीक है, समय बर्बाद करने से बचने में हमारी मदद कर सकती है, तो ये सही है। तो हमें प्रॉपर प्लानिंग बनाना पड़ेगा, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कब दोस्तों को ना करना है, कब हाँ करना है, ये सब चीजें। फोर है, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव सेपरेट नोटबुक्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो बोला गया है इट इज नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग क्या अलग अलग फेयर कॉपी, तो ये आवश्यक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए फेयर कॉपी अलग अलग रखना पड़ेगा, तो आवश्यक है, ये बोला नहीं है, तो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अगला है 5 नंबर का सवाल, ठीक है। ड्यूरिंग स्टडी टाइम, ठीक है, अध्ययन के समय के दौरान वी शुड अवॉइड टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स ऑन टेलीफोन एंड मोबाइल्स, तो बोला गया स्टडी टाइम के दौरान हम सभी को टेलीफोन और मोबाइल पर अपने दोस्तों से बातचीत करने से बचना चाहिए, तो बोला गया पढ़ते समय ना दोस्तों से बातचीत नहीं करना चाहिए फोन और टेलीफोन पे, मोबाइल टेलीफोन पे, तो सही है, तो जगह ट्रू। इट सेव्स टाइम, यह समय बचाता है, इफ वी कीप द स्टडी टेबल क्लीन एंड फ्री फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स, तो क्या बोला गया, यह समय बचाता है अगर हम सभी स्टडी टेबल को साफ सुथरा रखें और अनावश्यक चीजों से फ्री रखें, मुक्त रखें, तो जाहिर सी बात है समय बचाएगा ही, तो ज्यादा ट्रू, क्योंकि मान लेते हैं कि स्टडी टेबल साफ सुथरा है, ठीक है, जो चीज जरूरी है वही रखा हुआ है, तो जो कॉपी जैसे फेयर कॉपी रखा हुआ है तो तुरंत ढूंढ लेंगे, तो वही न्यूज़पेपर है बहुत पुराना, मैगजीन रखा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ ढेर सारा कॉपी रखा हुआ था, हमें ढूंढना पड़ेगा जो फेयर कॉपी हम ढूंढना चाहते हैं या किताब ढूंढना चाहते हैं। 7, वी शुड नेवर से नो टू आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों को कभी ना नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं, तो ये गलत है, कभी कभी ना कहना चाहिए। 8 है, प्रिपेयरिंग अ लिस्ट हेल्प्स अस टू डू इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, तो बोला गया है कि एक लिस्ट तैयार करना हमारी मदद करता है सबसे महत्वपूर्ण कामों को करने में, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले करने में, तो सही है। तो टू डू लिस्ट बना देते हैं ना कि ये काम करना है, और इसमें प्राथमिकताएं तय कर देते हैं कि कौन किसको पहले करना है किसको बाद में, तो बस सारा काम हो जाता है। अब देखिए 2.2, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स, लगभग 70 शब्दों में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लगभग 70 शब्दों में। तो पहला है, व्हाई कुडंट रिमझिम स्टडी एज मच एज शी वांटेड टू डू, तो बोला गया है कि रिमझिम क्यों नहीं पढ़ सकी जितना वो चाहती थी, जितना वो पढ़ना चाहती थी तो रिमझिम क्यों नहीं पढ़ सके। हैव यू एवर फेस्ड सच अ सिचुएशन, क्या आपका ऐसी स्थिति से कभी सामना हुआ है, यानी जो रिमझिम के साथ हुआ, रिमझिम चाहती थी कि अच्छे से पढ़ ले तो लेकिन नहीं पढ़ पाई जितना टाइम वो चाहती थी, तो इसी तरह आपके साथ हुआ है। व्हाट डिड यू डू, अगर हुआ है तो आप क्या किए, ठीक है, तो देखिए रिमझिम क्यों नहीं पढ़ पाई ठीक से, तो आंसर लिखेंगे, रिमझिम टॉक्ड ऑन द फोन फॉर ए लॉन्ग टाइम विच वेस्टेड हर टाइम अलॉट, तो रिमझिम फोन पर लंबे समय तक बातचीत की, ठीक है, जो उसका समय बहुत बर्बाद किया। सो शी कुडंट स्टडी एज मच एज शी वॉन्टेड टू डू, इसलिए वह जितना चाहती थी उतना पढ़ नहीं सकी, ये कारण था कि वो मोबाइल फोन पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद की। और ऐसे ऐसी स्थिति का सामना हुआ है आपका कभी, तो जरूर हुआ होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक आपको लिख के दिखाते हैं, लिखेंगे यस आई हैव फेस्ड सच ए सिचुएशन मेनी टाइम्स, हाँ मैंने ऐसी स्थिति का कई बार सामना किया। एक बार क्या हुआ ना, वंस मतलब एक बार हुआ कि आई इंडल्ज्ड इन प्लेइंग अ वीडियो गेम सो मच दैट आई फॉरगॉट टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स टेस्ट एंड फील्ड, तो बोला गया कि एक बार है ना एक वीडियो गेम खेलने में तो इतना लिप्त हो गया, इतना तल्लीनता से खेलने लगा कि क्या हुआ कि आई फॉरगॉट टू प्रिपेयर, मैं मैथ टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर तैयार
तैयारी करने में ना भूल ही गया और फेल हो गया। ठीक है, मैथ टेस्ट का क्या, तैयारी करना ही भूल गया और फेल हो गया। देखो दूसरा, देखे लिस्ट द डूज एंड डोंट्स विच कैन हेल्प यू सेव योर टाइम। क्या बोला गया, डू यानी क्या करना चाहिए, डोंट यानी क्या नहीं करना चाहिए, तो ये बोला गया। तो बोला जा रहा है ना कि जो काम करना चाहिए एंड डूज और जो काम नहीं करना चाहिए डोंट, उसका लिस्ट बनाए जो आपका समय बचाने में आपकी मदद कर सकता है। डू यू एग्री विद दिस वेज, क्या आप इन तरीकों से सहमत हैं जिससे समय बच सकता है। तो ये सब जो तरीका बताया गया ना, ठीक है, किताब में, तो इन तरीकों से आप सहमत हैं, तो जाहिर सी बात सहमत ही हैं क्योंकि इसमें सही बात बोला गया। तो आंसर लिखेंगे, ठीक है, लिस्ट बनाएंगे, डू का ये लिस्ट है और डोंट का ये लिस्ट है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, तरीके कीप टेबल क्लटर फ्री, है ना, स्टडी टेबल को अनावश्यक चीजों से मुक्त रखना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, अवॉइड लॉन्ग फोन कॉल्स ड्यूरिंग एग्जाम, परीक्षा के दौरान है ना, आप फोन कॉल पे लंबा लंबा जो बातचीत करते हैं उससे बचना चाहिए। और प्रायोरिटाइज टास्क, ठीक है, और प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए कि 10 को काम है तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, ठीक, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, तो ये हो गया प्राथमिकताएं तय करना। इससे क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर रखें वैसा काम जो सबसे ज्यादा जरूरी है तो अगले दिन वही करेंगे। उसके बाद क्या करना चाहिए, सेपरेट कॉपीज फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग कॉपी रखना चाहिए। लर्न टू से नो, और ना कहने है ना, हमें सीखना चाहिए ना कहना। जैसे एग्जाम चल रहा है तो दोस्त बोल रहा है, फोन किया कि चलो घूमने चलते हैं, मेला लगा हुआ, क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो ना कहना पड़ेगा। हाँ कह देंगे तो फिर एग्जाम का तैयारी नहीं हो पाएगा। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, देखिए, डोंट वेस्ट टाइम, हमें सब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। डोंट कॉल ड्यूरिंग स्टडी टाइम, पढ़ने के समय है ना कॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये तो फिर कॉलेज में बातचीत करते रह जाएंगे। डोंट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग्स, और बेकार की, ठीक है ना, तुच्छ चीजों पे है ना अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई कुछ बोल दिया और उसी को लेकर उदास है तो समय बर्बाद हो गया ना, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें ना उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, ठीक है। डोंट रिसीव फोन कॉल्स ड्यूरिंग टास्क, और काम करने के दौरान है ना फोन कॉल नहीं उठाना चाहिए। घर में कोई और सदस्य है ना तो उसको बोल देना चाहिए कि बोल दीजिए कि हम कुछ काम कर रहे हैं, बाद में बात कर लेंगे, इमरजेंसी है तो ठीक है लेकिन ऐसे नहीं। और उसके बाद पांचवें में लिखेंगे, डोंट चैट विद सर्वेंट्स व्हाइल स्टडिंग, और पढ़ने के दौरान पता है नौकरों से बात नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो घर में है, ठीक है, कोई आगे आगे दाई काम करने वाली या दूध वाला आ गया तो वो सब कोई भी है तो उसे बातचीत नहीं करना चाहिए, ठीक है। और नौकरों से खास करके नहीं, कब, जब हम लोग पढ़ रहे हो तब, बाद में तो बातचीत कर ही सकते हैं। तीसरा देखिए, टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट आवर टाइम, टेलीफोन और मोबाइल है ना हमारा समय बर्बाद करती है अक्सर। लिस्ट सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन यूज देम प्रॉपरली, तो बोला गया लिस्ट सम ऑफ द वेज, उस तरीकों का है ना लिस्ट बनाइए जिससे क्या है ना, जिससे हम सभी उन सभी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए आंसर लिखेंगे, टू यूज टेलीफोन एंड मोबाइल प्रॉपरली वी शुड सेट ए पार्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फोन, ठीक है, टेलीफोन और मोबाइल तो बहुत जरूरी है लेकिन इसका सही से इस्तेमाल कर सके तो ऐसा कुछ तरीका बताना। तो देखिए टेलीफोन और मोबाइल सही से इस्तेमाल करने के लिए हम सभी को फोन पर बातचीत करने के लिए एक खास समय निर्धारित करना चाहिए, ठीक है ना, कि हाँ जैसे मान लेते निर्धारित कर लिए कि हाँ 4 से 5 बात करेंगे तो दोस्त को भी आपको पता चल जाएगा हाँ 4 से 5 बात करेगा, ठीक है, तो वो भी आपको 4 से 5 में ही कॉल करेगा तो समय बर्बाद नहीं होगा। वी शुड रिक्वेस्ट आवर फ्रेंड्स टू कॉल अस अप ओनली देन, ठीक है, और हम सभी को अपने मित्रों से विनती करना चाहिए कि उसी दौरान हमें कॉल करें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि बोले ना जैसे 4 से 5 मान लेते हैं शाम ले लेता कि 7 से 8, ठीक है, निर्धारित कर लिए कि हाँ फोन में बात करेंगे तो दोस्तों को बता देंगे कि 7 से 8 ही कॉल करना, इमरजेंसी होगा तब कभी भी कॉल करना, लेकिन ऐसे नहीं। और आगे देखिए, ड्यूरिंग आवर स्टडी टाइम वी मस्ट नॉट अटेंड आवर फोन कॉल्स, और पढ़ने के समय है ना
हम सभी को फोन कॉल का जवाब नहीं देना चाहिए, फोन कॉल उठाने ही नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, समय बर्बाद होगा। फोर देखिए, हाउ डज अ चार्ट और लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन हेल्प अस यूज टाइम प्रॉपरली डिस्कस। तो क्या बोला गया कि किस प्रकार है ना चीजों का लिस्ट या चार्ट, ठीक है, हमारी क्या मदद करता है समय का सही इस्तेमाल करने में, डिस्कस करना, ठीक है, तो बताना है। तो आंसर लिखेंगे, व्हेन वी मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन, जब हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं उन चीजों का जो हमें करना है, तो आवर माइंड इज क्लटर फ्री अबाउट व्हाट टू डू फर्स्ट एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट। तब हमारे दिमाग है ना, तो हमारा दिमाग अनावश्यक चीजों से मुक्त हो जाता है कि कौन सा काम पहले करे और कौन सा काम बाद में करे, उसके बाद करें, ठीक है, तो दिमाग में रहता ही नहीं। जैसे बोले ना, जैसे पांच काम है तो हम लिखे हुए कि पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, रात में मान लेते तो लिख लिया, तो अगला दिन उठेंगे तो पहले ये काम करेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे, इस तरह से जो कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा, तो सोचने में समय बर्बाद नहीं होगा। प्रायोरिटाइज प्रायोरिटीज, ठीक है, प्रायोरिटीज लिखा हुआ, तो प्रायोरिटीज हैव बीन फिक्स्ड ओनली व्हाइल प्रिपेयरिंग अ लिस्ट, और जब लिस्ट बना रहे हो तो प्राथमिकताएं तय कर लेना चाहिए कि कौन काम पहले करना है, उसके बाद कौन काम करना है। इट हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क स्मूदर फास्टर एंड विद ए क्लियर स्टेटस ऑफ माइंड। तो यह हमारी मदद करता है, कौन, जो लिस्ट बनाया ना, ठीक है, जिसमें प्रायोरिटीज तय कर लिए, प्राथमिकताएं तय कर लिए, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उसके बाद कौन इंपॉर्टेंट काम है, इस तरह से। तो लिस्ट हमारी मदद करता है, ठीक है, हमारे काम को अच्छे से करने में, तेजी से करने में, और एकदम स्पष्ट दिमाग के साथ करने में मदद करता है, कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सी है वर्ड स्टडी, सी पॉइंट वन, सर्कल द वर्ड्स विद रॉन्ग स्पेलिंग्स, बोला गया गलत स्पेलिंग वाले शब्दों को सर्कल करें एंड करेक्ट दें, और उनको सही करें। तो गलत स्पेलिंग वाले शब्दों को सर्कल भी करना और सुधारना भी है, और जो सही है तो सही रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो शब्द दिया हुआ, ठीक है, जो सही है, जैसे पार्टिकुलर सही है तो सही है, तो क्रेजी सही है तो सही, जो सही है उसको छोड़ देना, जो गलत है उसको ऐसे सर्कल कर देना और सुधार भी देना। तो देखिए इसमें गलत कौन है, देखिए सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम, गलत को डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं तो ये याद हो जाएगा, गलती ये याद हो जाएगा। तो सिस्टम हो गया SYSTEM, ग्रामर, GRADLMAR, इंटरप्ट में यानी बाधा उत्पन्न करना, INTERRUPTM, ट्रिवियल मतलब तुच्छ होता, TRIVIAL, ये हो गया। तो यहाँ पर सर्कल कर लेते हैं, सिस्टम कहाँ ये है, ठीक है, उसके बाद ग्रामर ये गलती है, इंटरप्ट, इंटरप्ट कहाँ गया ये गलती है, ट्रिवियल ये गलती है, बाकी सब सही है, तो बस हो गया, ये करना था। आगे है C.2 में क्या बोला गया, रीड द लेसन अगेन, पाठ को फिर से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, एंड पिक आउट, पिक आउट यानी क्या होता, चुनना, एंड पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और नीचे दिए गए शब्दों के परिवाची शब्द चुनिए, ठीक है, सिनोनिम्स मतलब परिवाची शब्द, एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए खाली स्थान में, ठीक है, उन सभी को लिखिए। तो क्या बोला गया, ये सब जो है ना, एग्जैक्टली मतलब चिंता हो गया, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, क्रेट सही है सब, ये सब का परिवाची शब्द लिखना इधर, ठीक है, खाली स्थान दिया हुआ, और कहाँ से लिखना, लेसन से लिखना, चैप्टर में ये सब है ना दिया हुआ, तो ढूंढ करके लिखना, समझे। तो देखिए ये सब तो आपके लिए ढूंढ करके बताए दिए, एग्जैक्टली मतलब चिंता, तो वही मतलब चिंता, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, तो कंट्रोल मतलब भी वही होता, लेकिन नियंत्रण करना भी होता है और साथ ही साथ अनुशासन भी होता है। करेक्ट मतलब सही, तो राइट मतलब सही, इटली मतलब क्या, साफ सुथरा, टाइडली मतलब साफ सुथरा, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। हेल्प मतलब क्या, मदद करना, लेटर मतलब बाद में, ठीक है, इसका मतलब ये बाद में सबका बोले ना, रिक्वेस्ट मतलब विनती करना, ठीक है, और फर्म, फर्म मतलब दृढ़ है, नहीं ये जो तुम बोले वो सही है, जो निश्चय, जो निर्णय लिए वो क्या, फर्म डिसीजन है, बोलते नहीं एकदम दृढ़ है। श्योरली मतलब निश्चित रूप से, और ट्रिवियल मतलब तुच्छ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। C.3,
यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन योर ओन सेंटेंसेस। क्या बोला गया, यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स, बोला गया कि निश्चित है कि फ्रेजल वर्ब को का इस्तेमाल करें फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है, पार्ट्स है, इन योर ओन सेंटेंसेस, अपने खुद के वाक्यों में। तो बोला गया ये सब जो है ना, ये सब जो फ्रेजल वर्ब है ना, ये सेट डाउन, टेक ओवर, टेक अप, ये सब पार्ट्स लिया गया और इससे क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। और आपके लिए स्पेशल हिंदी लिख दिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सेट डाउन मतलब बैठा, ये वी टू है, ठीक है, वी टू। तो गया वी सेट डाउन अंडर द ट्री, हम लोग पेड़ के नीचे बैठे, ठीक है, छाया में बैठे। टेक ओवर मतलब होता है अधिकार संभालना, जैसे मान लेते हैं कि कोई बिजनेस है, ठीक, आदमी के बाद क्या, वो अपने बेटे को सौंप दिया जब वो बुजुर्ग हुआ, तो टेक ओवर यानी बेटा क्या कर लिया, अधिकार संभाल लिया, यानी अपने पिताजी से बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। तो ही टुक ओवर हिज कंपनी, वह उसके कंपनी को ना अधिकार संभाल लिया, उसकी कंपनी का अधिकार संभाल लिया। तो यहाँ पर टेक है, तो यहाँ पर वी टू इस्तेमाल किया, टेक का वी टू क्या होता है, टुक। टेक अप भी होता है ग्रहण करना, तो यहाँ भी वी टू इस्तेमाल किए हैं। ही टुक अप द न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वह एक वह नए अवसर को ग्रहण किया यानी अपना लिया। फोर्थ नंबर देखिए, कॉल अप मतलब होता है कॉल करना। आई हैड कॉल्ड हिम अप मेनी टाइम्स, मैंने उसको है ना कई बार कॉल किया। स्पीक ओवर मीन्स होता है बात करना, किसी चीज पे बात करना। ही स्पोक ओवर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो उन्होंने काफी देर तक बात की, ठीक, काफी देर तक। अब देखिए सी पॉइंट फोर, तो सारा ग्रामर भी आपको बता रहा है। तो पिक टू मोर कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, ठीक है, तो बोला गया है कि कंपाउंड वर्ड्स हमें चुनना है, ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं ना वैसा वर्ड जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड क्या है मिला हुआ हो, ठीक है, उसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे बेड टाइम है, तो बेड और टाइम दो अलग अलग वर्ड है। नोटबुक, तो नोट अलग है, बुक अलग है। तो ये हो गया कंपाउंड वर्ड, जिसको तोड़ करके ना दो या दो से अधिक है ना बना सकते हैं। अटेन मोर सच कंपाउंड वर्ड्स टू द लिस्ट, ठीक है, फिर बोला गया कि लिस्ट में ना ऐसे ही कंपाउंड वर्ड्स 10 और जोड़िए, ठीक है। दो तो हमें ढूंढना है क्या, लेसन से, पार्ट से, चैप्टर से, और बाकी 10 को खुद लिखना है, समझे। तो देखिए बेड टाइम ये चैप्टर से है, नोटबुक ये भी चैप्टर से है, और बाकी 10 को अपने मन से लिखे। तो फुटबॉल हो गया, टूथब्रश हो गया, कपकेक हो गया, पैनकेक हो गया, रेनबो हो गया, रेन प्लस बो, बो मीन्स क्या होता है, धनुष होता है, और हनी कॉम्ब हो गया, ठीक है, हनी कॉम्ब, मोटर बाइक, स्नोमैन, पॉपकॉर्न, लिपस्टिक, इस तरह से तोड़ तोड़ क्या है ना लिख दिए, समझे। तो ये क्या हो गया, ये सब जो है ना जितना देख रहे हैं इधर लेफ्ट साइड वाला सब कंपाउंड वर्ड है। आप देखिए डी पॉइंट टू, चेंज द फॉलोइंग इंपरेटिव सेंटेंसेस इंटू स्टेटमेंट्स विद एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस एन इन्फिनिटिव। तो बोला गया है निश्चित देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट में बदल लिया, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है ना, जो ऑर्डर दिखा था, ठीक है, रिक्वेस्ट दिखा था, एडवाइस दिखा था, उस सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बोला गया निश्चित देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को क्या करना है, स्टेटमेंट में बदलना है, और क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे होता है ना मी, आई का मी होता है, वी का अस होता है, ठीक है, यू का यू, ही का ही के बदले में हिम इस्तेमाल करते हैं, लड़की के लिए हर करते हैं, ठीक है, इट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और फिर क्या होता है, देख के लिए देम करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। और प्लस एन इन्फिनिटिव, और किसका इस्तेमाल करना है, इन्फिनिटिव का, यानी टू प्लस V1 का इस्तेमाल करना, 2 प्लस V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है, तो ये भर्ब है, भर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसकी जगह हर डॉट है, तो लड़की है तो हर इस्तेमाल कर लिया, तो बस। और द मदर तो लिखा हुआ था, शी वांट्स, सोचना ही नहीं, और इसको हटा के ना कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के 2 लिख दिए, और क्लोज द डोर है तो क्लोज द डोर, तो ये बहुत ईजी है। तो देखिए आगे द टीचर सेज टू हर स्टूडेंट्स, ये जो खाली स्थान दिया हुआ ना बस उसी पे क्या करना, ध्यान देना, ठीक है, खाली स्थान पे।
ठीक है। तो देखिए, द टीचर सेज टू हर स्टूडेंट्स राइट एन एसे, कि यहाँ पर क्या किए, ये जो हर स्टूडेंट्स है ना, हर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये क्या ढेर सारे स्टूडेंट है, तो ढेर सारे के लिए देम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है, दे का देम होता है ना, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा वाले टू हो गया, और राइट एन एसे तो राइट एन एसे, ठीक है। उसके बाद देखिए, हर चिल्ड्रेन है, ढेर सारे बच्चे हैं, तो ढेर सारे के लिए क्या करते हैं, देम इस्तेमाल करते हैं, भर्ब के बाद ऑब्जेक्ट में, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए क्या होगा टू, और टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी। उसके बाद देखिए यहाँ पर, द फादर सेज टू हिज सन डोंट कम होम लेट, डोंट यानी निगेटिव है, तो यहाँ पर ठीक है ना, नॉट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नॉट लगा हुआ था, ये क्या हो गया, हट गया, ठीक है। अब आगे देखिए, हिज सन, ठीक है, लड़का है, तो लड़का के लिए क्या होता है, हिम होता है, ठीक है, और ये तो ये हट गया, कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया नॉट, तो क्या हो गया, कम होम लेट, तो कम होम लेट, ठीक है, यहाँ पर होम लगेगा, ठीक है, होम क्या, यहाँ पर छूटा हुआ था, कम होम लेट हो गया, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले टू लगते हैं, तो कई बार बता चुके हैं, सब में यही करना, देखिए ही चिल्ड्रेन, तो ढेर सारे बच्चे हैं, तो देम हो गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा टू, और बाकी जैसे है जैसे लिख दिए, तो सब में सेम ही काम करना। और यहाँ पर देखिए, द गर्ल, तो लड़की है, तो हर हो गया, आगे क्या है, ये तो दिया हुआ किताब में, तो सोचना ही नहीं है, द गर्ल है तो लड़की है, तो हर हो गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा टू, और बाकी जैसे है जैसे लिख दिए। नेक्स्ट है यहाँ पर द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, ठीक है, यहाँ पर हर भी लगा सकते हैं और हिम भी लगा सकते हैं, जहाँ पर कंफ्यूजन हो ना हिम और हर में, कि टीचर लड़का है कि लड़की पता नहीं है, तो हिम ही यूज कर देते हैं, ठीक है, तो हिम यूज कर दिए, कॉमन न्यूमरेटर टू, बस रिपीट द वर्ड्स, रिपीट द वर्ड्स ऐसे लगेगा, रिपीट द वर्ड्स हो गया। और यहाँ पर जो प्लीज है, प्लीज मतलब होता है कृपया करके बताइए, तो ये इसमें चला गया, वांटेड में चला गया, सेट टू को वांटेड में चेंज कर दिए, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है किताब में, ठीक है, बस हमें खाली स्थान यहाँ से भरना है, ऑब्जेक्ट से भरना है, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है, भर के बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, यहाँ से लिखना है, तो प्लीज नहीं लिखना है, प्लीज का सेंस किस में चला गया, इसमें चला गया। आप आगे देखिए, माई सिस्टर, तो लड़की है, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और कॉमन कॉमा टू, और बाकी जैसे है जैसे लिख दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डी पॉइंट 3.1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स, बोला गया है उपयुक्त मॉडल वर्ब से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। तो मॉडल वर्ब्स होता है ना, 13 होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इस तरह से ढेर सारा होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सब होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला देखिए, आप सबके लिए स्पेशल भर दिए, तो वी शैल विजिट देम इन बर्मिंघम फॉर द समर हॉलीडेज, बोला गया है गर्मी की छुट्टी के लिए ना, ठीक है, हम सभी उन सभी से मिलेंगे बर्मिंघम में, ठीक है, तो मिलेंगे तो फ्यूचर है, तो शैल हो जाएगा, आई के साथ शैल लगता है, और वी के साथ शैल लगता है, तो वी है तो शैल, आई के साथ शुड लगाएंगे यहाँ पे, आई शुड लीव नाउ एज दे आर वेटिंग फॉर मी, तो मुझे अब चलना चाहिए क्योंकि वे सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो चलना चाहिए, तो चाहिए के लिए शुड, यू शुड ब्रश योर टीथ आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, आपको सुबह के नाश्ते के बाद है ना अपने दांत धो ब्रश कर लेना चाहिए, चाहिए तो शुड हो गया जरूरी है, वी विल लीव वेरी अर्ली टुमोरो और वी विल बी लेट, यहाँ विल है तो यहाँ भी लग जाएगा, तो कल है ना, कल बहुत जल्दी हम लोग चल जाएंगे, ये तो हम सभी को लेट हो जाएगा, ठीक है, इसका हिंदी आपको कर दे रही, क्योंकि हिंदी समझिएगा ना तभी जाके पता चलेगा कि कौन सा मॉडल वर्ब हमें भरना है। ऑल ऑफ अस शुड अटेंड अ मीटिंग नाउ, तो हम सभी को ना, हम सभी को अभी एक मीटिंग अटेंड करना चाहिए, यू लुक टायर्ड, तुम थके दिख रहे हो, ठीक है, तुम्हें ना अब सोने जाना चाहिए, गो टू बेड मतलब होता है सोना, ठीक है, तो तुम्हें अभी सोने जाना चाहिए, ठीक है, सोना चाहिए, तो शुड हो जाएगा, यू शुडंट टच बर्निंग आइटम्स, ठीक है, तुम्हें ना जलता हुआ जो चीज है उसको छूना नहीं चाहिए, तो शुडंट हो जाएगा, शुड नॉट के शॉर्ट में शुडंट लिखते हैं। आगे देखिए, यू शुडंट ड्राइव टू फास्ट इन द सिटी, ठीक है, तुम्हें शहर में ना बहुत तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, तो शुडंट हो गया। नाइन है, दे शुड गो आउट लेटर व्हेन द वेदर इम्प्रूव्स, ठीक है, जब मौसम ठीक हो जाएगा तभी क्या करना चाहिए, उन लोगों को बाहर जाना चाहिए, तो शुड हो गया, चाहिए के लिए क्या होता है शुड। 10 नंबर है, सी माइट हैव बीन एस्लीप व्हेन द बर्गलर एंटर्ड द हाउस, बर्गलर मतलब
जो सेंध मारकर जो घर में चोरी करता है ना चुपके चुपके, उसको बर्गलर बोलते हैं, ठीक है, चोर सेंध मारने वाला, ठीक है। वह अवश्य सो रही होगी जब चोर उसके घर में घुसा होगा, ठीक है। 11 है, वी शुड डू द ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल, एलिजिबल मीन्स होता है योग्य बनना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेना में जाएगा तो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए ना एलिजिबल योग्य बनने के लिए, ठीक है, ताकि बॉर्डर पे वो अपने दुश्मनों का सामना कर सके। तो देखिए हम सभी को ना योग्य बनने के लिए ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेना चाहिए, तो वो जगह शुड चाहिए के लिए शुड ही होता है। यू आर कफिंग लाउडली, तुम बहुत जोर से खांस रहे हो, ठीक है, तुमको ना एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है, अवश्य मिलना चाहिए, तो मस्ट हो जाए क्योंकि ये बहुत खास रहे, बीमारी हो सकता है। 13 है, ही शुड सी द डॉक्टर एवरी मंथ टू ट्रीट हिज स्किन डिसऑर्डर, तो बोला गया ना कि उसे प्रत्येक महीने ना डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? अपना जो स्किन डिसऑर्डर है, स्किन संबंधी जो बीमारी है, उसको उसका इलाज के लिए। 14 है, द पुलिस थिंक, पुलिस सोचता है ना कि ही माइट हैव सीन द रॉबरी एंड आर लुकिंग फॉर हिम, ठीक है। पुलिस लोग सोचते हैं ना कि वह देखा होगा चोरी, ठीक ना, चोरी रॉबरी यानी चोरी करते हुए देखा होगा, तो माइट हैव यानी देखा होगा, एंड आर लुकिंग फॉर हिम और उसको वह सब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो उनको लगता है ना कि वो देखा होगा चोरी करते हुए चोर को, ठीक है, तो उसको ढूंढ रहे हैं। 15 है, स्टूडेंट शुडंट लीव द क्लासरूम बिफोर द बेल रिंग्स, बिफोर द रिंग बेल्स, तो क्या बोला गया, छात्रों का ना क्लासरूम छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो स्टूडेंट हो गया घंटे लगने से पहले। वुड यू पास माई पेंसिल टू मी, तो यहाँ रिक्वेस्ट करने के लिए ना वुड का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप मुझे पेंसिल पास कर सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, तो वुड हो गया। 17 देखिए, यू शुडंट टॉक अलाउड इन द लाइब्रेरी, ठीक है ना, आपको ना लाइब्रेरी में जोर जोर से बातचीत नहीं करना चाहिए, तो स्टूडेंट हो गया, ठीक है, नहीं करना चाहिए, तो नहीं चाहिए के लिए स्टूडेंट, ठीक है। आई हैवंट सीन माय पेरेंट्स फॉर ए लॉन्ग व्हाइल, ठीक है, एक लंबे समय तक ना हम अपने माता पिता से नहीं मिले या नहीं देखे, ठीक है, यहाँ मिलने का सेंस है। आई शुड विजिट देम एट द वीकेंड, तो वीकेंड यानी सैटरडे संडे को वीकेंड कहते हैं, तो वीकेंड पे ना मुझे उन सभी से मिलना चाहिए, तो शुड हो जाएगा। 19 है, इफ यू डोंट स्टार्ट वर्किंग हार्डर, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं शुरू करोगे तो यू माइट रिपीट द कोर्स नेक्स्ट ईयर, तो हो सकता है कि तुम अगले साल है ना इस पाठ्यक्रम को कोर्स को फिर दोबारा करो, यानी फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ संभावना जताया जा रहा है, तो माइट लगेगा। 20 है, आई हैव नो टाइम, मुझे समय नहीं है, ठीक है, मुझे अभी जाना चाहिए, तो शुड, और नहीं तो क्या होगा, हम ट्रेन मिस कर जाएंगे, तो माइट, यहाँ संभावना बोला गया कि ट्रेन मिस कर सकते हैं, तो माइट हो गया। आई विश आई वुड बाय अ न्यू मोबाइल फोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी, यहाँ पर इच्छा व्यक्त करने के लिए ना वुड लगाते हैं, वुड भीवन है ना, तो वुड लगाएंगे, तो बोला गया कि काश हम एक नया मोबाइल फोन खरीदते, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। अब देखिए 22, मे आई गो टू द बाथरूम प्लीज, ठीक है, ये तो क्लास में नहीं बोलते हैं, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए जो होता है ना इजाजत, परमिशन लेने के लिए मी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और 23 हो गया, अन्वेषा इज नॉट एट होम, अन्वेषा घर पे नहीं है, सी माइट हैव गोन टू पटना, आई डोंट नो, यहाँ संभावना जताया जा रहा है कि नहीं वो पटना गई होगी, मुझे नहीं पता, तो संभावना जताने के लिए माइट इस्तेमाल करते हैं। अनीता कैन प्ले क्रिकेट क्वाइट वेल, ठीक है, अनीता अच्छे से क्रिकेट खेल सकती है, तो ये समर्थ्य दिखाया जा रहा है, तो कैन हो जाएगा, ठीक है। 25 देखिए, कैन वी गो आउट टू नाइट प्लीज, ठीक है, क्या हम लोग आज बाहर जा सकते हैं, यस हाँ, लेकिन यू शुडंट बी लेट, लेकिन तुम्हें देर नहीं करना चाहिए, देर नहीं करना, तो शुडंट हो जाएगा। 26 आई हैवंट डिसाइडेड येट, तुम अभी निर्णय नहीं किए हैं, वेयर आई वुड गो इन माई नेक्स्ट हॉलीडेज, तुम अगली मेरे जो अगली हॉलीडे आएगा तुम कहाँ जाएंगे, निर्णय नहीं किए हैं, तो वुड हो जाएगा। आई थिंक आई शुड गो टू सिक्किम, मैं सोचता हूँ कि मुझे सिक्किम जाना चाहिए, तो शुड हो जाएगा, चाहिए के लिए शुड। वाट डू यू वॉन्ट टू डू, ठीक ना, तुम क्या करना चाहते हो, वेल वी वुड हैव अ पिकनिक बट इट लुक्स लाइक रेन, तो बोलता है दूसरा आदमी कि हमें ना लगता है कि पिकनिक करना चाहिए, तो वुड हो जाएगा, यहाँ हैव है ना, तो वुड हैव,
ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि बारिश होगा। 28 है, फोन हर नाउ, उसको अभी फोन करो, सी वुड बी होम बाय नाउ, वो अभी तक है ना घर पहुंच गई होगी, तो वुड बी, ठीक है, वुड के बाद भी वन चाहिए, भी वन, ठीक है, वुड के बाद मॉडल वर्ब्स के बाद भी वन आता ही है, यहाँ पर बी लगा दिए भी वन, ठीक है। 29 है, कुड यू वाटर माय प्लांट्स व्हाइल आई एम अवे, तो बोला गया यहाँ पर कि क्या आप मेरे पौधों को पानी दे सकते हैं जब हम नहीं रहेंगे, इफ दे डोंट गेट इनफ वाटर दे वुड सर्टेनली डाई। फिर आदमी बोलता है कि अगर उनको पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो वो निश्चित रूप से क्या करेंगे, मर जाएंगे, मतलब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, पौधे खत्म हो जाएंगे, तो दे वुड, ये फ्यूचर का बात हो रहा है, तो वुड लगाएंगे, ठीक है। 30 है, वी शुड पे द फीस एट द फिक्स टाइम, हमें फिक्स टाइम में एक निश्चित समय पर ना फी चुकता कर देना चाहिए, चाहिए के लिए शुड, वी शुड क्लीन योर रूम मोर ऑफन, ठीक है, तुम्हें ना अपने कमरे को अक्सर साफ करना चाहिए, ठीक है, मतलब तुरंत तुरंत, तो शुड हो जाएगा चाहिए के लिए। 32 है, इफ इट रेन्स ऑन सैटरडे, अगर सैटरडे को, अगर शनिवार को बारिश होता है तो हम लोग है ना बीच पे, ठीक है, जाएंगे, तो वी वुड, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक दूसरे पे निर्भर रहता है ना, ठीक है, कल्पनात्मक कि अगर ये होगा तब ये करेंगे, तो वुड लगता है। 33 है, कैन यू स्पीक बंगाली, क्या तुम बंगाली बोल सकते हो, तो कैन लगाएंगे, तो वो बोलता है कि नो आई कांट, नहीं हम नहीं बोल सकते हैं, तो कांट लगेगा, ठीक है, कैन नॉट शॉर्ट में कांट लिखते हैं। 34 है, अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट ऑन द टीवी, फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान करना है कि हाँ बारिश होगा कि नहीं होगा, इस तरह से टीवी बताता है ना, उसी को फोरकास्ट कहते हैं, पूर्वानुमान करना, ठीक है, तो टीवी पे पूर्वानुमान के अनुसार इट माइट रेन टुमारो, ठीक है, कल बारिश हो सकती है, संभावना जताया जा रहा है, तो संभावना के लिए माइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 35 देखिए, कुड यू हेल्प मी मूव दिस टेबल, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं टेबल को हिलाने में, ठीक है, मूव करने में, हटाने में, तो कुड हो जाएगा, मे भी यूज कर सकते हैं, कैन भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना, तो कई सारे यूज कर सकते हैं, तो कुड यूज कर लेंगे, क्या दिख रहा है। 36 है, यू मस्ट रिमेम्बर टू डू योर होमवर्क, ठीक ना, अपना पता है तुम्हें जोर याद रखना चाहिए अपना होमवर्क करने के लिए, तो अवश्य याद करना चाहिए, तो मस्ट लगेगा, ठीक, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो जो काम बहुत जरूरी रहता है ना, तो वहां पर मस्ट लगाते हैं, ठीक है। 37 है, दिस माइट बी अ ग्रेट आइडिया बट इट्स डेफिनेटली नॉट, तो संभावना जताने के लिए मस्ट लगाते हैं, तो यह एक ग्रेट आइडिया हो सकता है, ठीक है, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं है, ठीक है, तो मस्ट लगाएंगे। 38 है, आई कुडंट मूव द टेबल, ठीक है, मैं टेबल को मूव नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, इट वॉज टू हैवी, ठीक है, ये बहुत ही भारी है, कैसे बात है, कुड नॉट लगेगा, कुड नॉट के शॉर्ट में कुडंट लिखते हैं। 39 है, आई हैव लॉस्ट माई पेन, हम अपना पेन खो दिए हैं, आई नीड टू बाई अ न्यू पेन, तो मुझे एक नया पेन खरीदना पड़ेगा, तो नीड लग जाएगा, ठीक है, खरीदने की जरूरत है। अब देखिए लास्ट में क्या है, ट्रांसलेशन, तो क्या बोला गया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, नीचे देखिए वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करें, तो देखिए ये इसी का अनुवाद करना है अंग्रेजी में, तो देखिए हमें अनुशासन बद्ध होना चाहिए, अनुशासन बद्ध यानी डिसिप्लिन्ड, तो हो जाएगा आंसर, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड, चाहिए के लिए शुड लगाएंगे, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड, समय बद्धता ही अनुशासन का ही एक प्रकार है, तो देखिए समय बद्धता यानी हर चीज समय पे करना, जैसे समय पे स्कूल पहुंचना, इस तरह से, तो पंक्चुअलिटी इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिसिप्लिन, समय बद्धता भी अनुशासन का ही एक प्रकार है। उसके बाद है, समय को बर्बाद करने का अर्थ है खुद को बर्बाद करना, तो देखिए स्पॉइल मींस होता है बर्बाद करना, टू स्पॉइल टाइम मींस टू स्पॉइल आवर सेल्फ्स, इसलिए हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। आगे है, समयबद्ध इंसान ही सफलता प्राप्त करता है, तो ओनली ए पंक्चुअल पर्सन, ठीक है, समयबद्ध इंसान सब कुछ समय पर करता है, तो ओनली ए पंक्चुअल पर्सन अचीव्स सक्सेस, ठीक है, अचीव मींस होता प्राप्त करता है, ठीक है, सिंगुलर पर्सन के साथ क्या होता है, ये वी फाइव लगता है, ठीक है, अचीव सक्सेस। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।